देश में कोरोना का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,964 नए मामले सामने आए हैं और 265 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,73,763 हो गई है, जिनमें से 86,422 सक्रिय मामले हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 62,228 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। यहां 2,098 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में अब तक 20,246 मामले सामने आए हैं। अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बुरा हाल है। दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। राजधानी में अब तक कोरोना के 17,386 केस सामने आ चुके हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से 398 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली के 500 बेड के जीटीबी अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर अब कोरोना के पीड़ितों का इलाज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने यह फैसला बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के चलते लिया। अब दिल्ली का यह पांचवा अस्पताल हो गया है जो कोविड-19 अस्पताल में तब्दील हुआ है। वहीं जीटीवी अस्पताल में संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 3 डॉक्टर और 2 नर्स संक्रमित पाए गए हैं। इनके अलावा जीटीवी अस्पताल परिसर में स्थित UCMS के प्रिंसिपल भी कोरोना पीड़ित हो गए हैं। हालांकि प्रिंसिपल में अभी कोरोना के लक्षण नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, एक दुखद घटना में यूपी के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। काम बंद हो चुका था। इस शख्स को अपना और माता जी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था, लेकिन इनका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं, और भी जरूरतें होती हैं। ये पत्र शायद आज एक साल के जश्न वाले पत्र की तरह गाजे बाजे के साथ आपके पास ना पहुंचे, लेकिन इसको पढ़िए जरूर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह कष्ट में हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम के वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के थे। अब अधिकारियों ने साफ किया है कि दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। दोनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था। बताया जा रहा है कि वामपोरा इलाके में कम से कम 2 आतंकी छिपे हुए थे जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका खात्मा कर दिया।